चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम कुकीज़, आज हम डिस्कस करेंगे सेशंस। पीएचपी सेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर टेम्प्रेरी अंटिल यूज़र क्लोज द वेबसाइट। पीएचपी सेशन किस काम आते हैं, कहते हैं पीएचपी सेशन। अच्छा, ये बात हो भी चुकी है कि पेज नेविगेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं या डाटा एक पेज से दूसरे पेज पर भेजने की टेक्निक्स क्या क्या हैं। सही है, वैसे तो बताया था कि क्वेरी स्ट्रिंग, कुकीज़ और सेशन, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेट। अच्छा, अब जब हम पीएचपी पर आए तो हमने दो चीज़ों को देखा है यहाँ बार बार, गेट एंड पोस्ट। गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र होता है और सिक्योरली नहीं होता। क्वेरी स्ट्रिंग यानी उस पर यूआरएल में अपेंड हुई भी होती है, यानी डाटा किसके अंदर, उसके अंदर नज़र आएगा यूआरएल के अंदर। जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, वो थोड़ी सिक्योर होती है, उसमें डाटा डिस्प्ले भी नहीं होगा, ठीक है। और दोनों में एक खास फर्क भी बात हो चुकी है, क्या है कि वो बुकमार्क हो सकता है, दूसरी चीज़ बुकमार्क नहीं हो सकती। सही है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप फेसबुक का पेज, होम पेज बुकमार्क नहीं कर सकते। सही है, हाँ प्रोफाइल पेज कर सकते हो अपना प्रोफाइल पेज, क्योंकि फिर वो क्या होगा, वो अगर लॉग इन नहीं हुआ तो वो तुम्हारा डायरेक्ट प्रोफाइल पेज ओपन करेगा एज अ विजिटर, ठीक है। तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा सेशंस क्या है। सेशन कहते हैं एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम एक पेज से डाटा को दूसरे पेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कहते हैं अंटिल द यूजर क्लोज द वेबसाइट, और जैसे ही ब्राउजर क्लोज होता है सेशन क्या कहता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही है, कहते हैं पीएचपी सेशन इज टेक्निक इज वाइडली यूज इन शॉपिंग वेबसाइट वेयर वी नीड टू स्टोर एंड पास कार्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, यूजर नेम, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्राइस फ्रॉम वन पेज टू अनदर। कहता है कि इसका जो सही इस्तेमाल होता है, जो उसका यूजेज है, ये टेक्निक कहाँ पर काम आती है कि हम कभी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज पे भेज रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह ऐसी चीज़ें बंदा डालता है, तो वो गेट रिक्वेस्ट में कभी नहीं होनी चाहिए। सही है, वो वन पेज का डाटा आपने फॉर्म फिल किया, रजिस्टर किया और शॉप कर दिया, एड टू कार्ड करने के बाद आखिर सबमिट किया, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट से जाएगा, तो वो जब जाएगा तो वो सारी वैल्यूज किसके अंदर होंगी, एक सेशन के अंदर जाएंगे। सही है, इधर पीएचपी सेशन क्रिएट्स यूनिक आईडी फॉर ईच ब्राउजर टू रिकॉग्नाइज द यूजर एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल ब्राउजर। असल में क्या है, अगर कहो तो आम लफ्ज़ों में जो है ना, सेशन एक ब्राउजर का यूनिक इंस्टेंस है जो क्या करता है, आपको पहचानने में मदद देता है कि यूजर है कौन सा। सही है, अच्छा अब देखो यहाँ से इसने एक डायग्राम के थ्रू समझाया कि दो यूज़र हैं। यहाँ से देखो 1.1 वाला यूज़र रिक्वेस्ट करता है, कंटेनर सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है और उसकी एक अपनी सेशन आईडी एक्टिव हो जाती है। सही, सिमिलरली दूसरा यूज़र है वो करता है रिक्वेस्ट और फिर क्या होता है यहाँ पर उसकी अपनी आईडी। इस तरह से मल्टीपल, मतलब जितने दुनिया भर में यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, उनके सेशन ऐसे एक्टिव हुए होंगे जितने इस पर जो अभी इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे सेशन। सही है, अच्छा पीएचपी में थोड़ा सा देखो ये कि कोड हमें लिखना पड़ता है, इंटेलिजेंस भी कम है। सही है, एएसपी के अंदर डायरेक्ट सेशन और वेरिएबल बना लेते थे, तुम इंडेक्स दिख लेते थे उसके अंदर नाम, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जिस पेज के ऊपर तुम्हें सेशन को इस्तेमाल करना है या एक्टिव करवाना है, तो वहाँ पे आपको ना उस पेज के टॉप पे लिखना पड़ेगा सेशन इसको स्टार्ट। सही है, इस बात को याद रखें, वरना फिर मैं नॉर्मली ये कल परसों में मिस्टेक हुई थी, अब कोई एरर मिल नहीं रहा बिकॉज हम एएसपी से इस तरफ आए तो उस चीज़ की आदत ही नहीं है, तो वो एरर ढूंढते ढूंढते परेशान, कोई कहीं पे कोई एरर नहीं था, फिर याद आया कि भाई ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का ये मेथड है, क्या करता है भाई, फंक्शन इज यूज्ड टू स्टार्ट सेशन, सेशन को स्टार्ट करने काम आता है। इट स्टार्ट्स और स्टार्ट अ न्यू और रिज्यूम एग्जिस्टिंग सेशन, एक नया सेशन बनाएगा या फिर एग्जिस्टिंग को ही इस्तेमाल करेगा। कहता है इट रिटर्न्स एग्जिस्टिंग सेशन इफ सेशन इज क्रिएटेड ऑलरेडी, ये क्या करेगा, अगर सेशन ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या करेगा, पुराने वाले को यूज, मतलब उस पेज पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, इफ सेशन इज नॉट अवेलेबल इट क्रिएट्स एंड रिटर्न न्यू सेशन, अगर सेशन नहीं है तो नया सेशन बनेगा और वो रिटर्न होगा। सही है, अच्छा ये वेरिएबल का नाम हमने पढ़े थे सुपर ग्लोबल्स, सुपर ग्लोबल्स के अंदर क्या क्या था अगर ऊपर जाके देखोगे तो उसके अंदर था गेट था, पोस्ट था, ठीक है, ये रहा ग्लोबल्स का था, जिससे हम क्या कर सकते थे, उस वेरिएबल को कहीं पे भी ग्लोबली एक्सेस कर सकते थे। सर्वर का था जिसके अंदर रिक्वेस्ट वगैरह के कुछ मेथड्स हैं, फिर ठीक रिक्वेस्ट है, ठीक है, पोस्ट है, गेट है,
फाइल्स का भी हमने नहीं पढ़ा, एनवायरनमेंट भी पढ़ा, कुकी पढ़ लिया, सेशन पर आ गए, सही है। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ क्या है, सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन डिस्ट्रॉय भी करवाना है वो लॉग आउट के बटन पे या फिर ऐसे कोई कोड होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके कोड पर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जैम्प ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे, दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई। आप जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, यहाँ से जाएंगे जैम्प, जैम्प से जाएंगे एच टी डॉक्स में, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर सेशन, ठीक है। और ब्राउजर पे आएंगे, लोकल होस्ट, यहाँ से पोर्ट नंबर देखो क्या है, 8080, तो यहाँ कॉलन लगा के 8080 स्लैश क्या लिखा है, सेशन इसका नाम लिखा है। तो देखो ये डायरेक्टरी, पैरेंट डायरेक्टरी ओपन हो गई, सही है। इसके अंदर कोई पेज नहीं है, तो अब इसके अंदर एक पेज बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रीम व्यूअर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सेलेक्ट क्या करना है, पीएचपी करना है, और यहाँ से आना है कोड वाले पार्ट पे। अब ये क्या सेलेक्ट हो गया, एक्स एच टी एम एल सेलेक्ट हो गया, ये नहीं चाहिए। फाइल न्यू, एच टी एम एल फाइव यूज़ करना है, यहाँ पे आए एच टी एम एल फाइव, पी एच पी, और प्रेफरेंस पर आगे भी एच टी एम एल फाइव कर दो। अब उसको सेव कराया, कहाँ पे सेव कराएंगे, दिस पी सी, सी ड्राइव, जैम्प, एच टी डॉक, सेशन। अच्छा, अगर इसको मैं इंडेक्स के नाम से सेव करूँगा तो वो पेरेंट डायरेक्टरी अब ओपन नहीं होगी, अब डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा, सही है। सेव, अब यहाँ पर आया और बनाया एक फॉर्म, और फॉर्म क्लोज, ठीक है। फॉर्म के अंदर मेथड क्या दिया, इज इक्वल्स टू पोस्ट, सही है। टेबल, टेबल क्लोज, टी आर टी डी क्लोज, कॉपी कर लो उसको, पेस्ट। पहले टी डी के अंदर तुमने लिखा ईमेल, और यहाँ के लिखा इनपुट, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम जरूर लिखना है, नेम इज इक्वल्स टू ईमेल, सही है। कॉपी कर लिया, पेस्ट, पासवर्ड, और यहां से भी टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, सही है, पासवर्ड। यहाँ से एक टी डी रिमूव कर दी मैंने, और इसको कहा कॉल स्पैन टू, बटन लगाया, बटन क्लोज, कहा लॉग इन, सही। अच्छा, बटन के ऊपर टाइप सबमिट, सही है, तो कोड हो गया। अब पीएचपी का कोड करने का होता है, तो अब नीचे इसके मैं बनाऊंगा पीएचपी टैग, और यहां लिखेंगे इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे इसे, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल इक्वल टू पोस्ट। अगर जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, सही है। वो क्या करेगा, सेशन वेरिएबल को क्रिएट, सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर उस चीज़ को गेट करेगा, किसको, आईडी, पास आईडी को, ठीक है। अच्छा, ईमेल वगैरह की भी फिर वो वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो लगा लो, जैसे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया पहले ही, कि अभी तो हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो हार्ड कोडेड ईमेल वगैरह मैच करवा लो। तो डॉलर अंडरस्कोर ईएम
یعنی جو ای میل ہے وہ یہ ہے salman@yahoo.com, صحیح ہے. $_pass از ایگوز ٹو Q123, ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ کیا چیک کرے گا کہ اف $_EM از اکول, تین ایکولس کیوں لگائے, کیونکہ ہم نے ویلیو بھی میچ کرانی ہے اور ڈیٹا ٹائپ بھی, ٹھیک ہے, از اکول ٹو $_POST, ٹھیک ہے, اور پوسٹ کے اندر کیا جائے گا اوپر سے یہ والا ای میل, یعنی اس والے نام سے, صحیح ہے. اور آگے لگائیں گے اینڈ, کہ ای میل بھی میچ کرنی چاہیے اور کیا میچ کرنا چاہیے, پاسورڈ بھی میچ کرنا چاہیے. اینڈ $_PASS از اکول ٹو, ٹھیک ہے, دس کاپی کیا, اور یعنی جو بھی پاسورڈ باکس سے جو بھی آئے گا وہ یہاں پہ پیسٹ, صحیح ہے. ایلس کیس سینسیٹیو ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے اندر کیا کریں گے ایکو اور ٹرمینیٹر, اور یہاں پہ لکھیں گے پیراگراف, پیراگراف کلوز, پیراگراف کے اندر سٹائل, کلر. اب دیکھو یہاں ڈبل کوٹیشن کا مسئلہ آ رہا ہے, سنگل کوٹیشن میں کام ہو جائے گا, کلر کالن ریڈ, ٹھیک ہے, ان ویلڈ آئی ڈی اور پاسورڈ, صحیح. اب ورنہ کیا ہوگا, وہ اس کوڈ کو چلائے گا اور اس کوڈ کے اندر کیا کریں گے ایک سیشن ویریبل کریٹ کریں گے, صحیح. اچھا اس سے بھی پہلے کام کرنا ہے, میں نے کہا تھا سیشن انڈرسکور سٹارٹ, ٹھیک ہے, تو اس پیج کے ٹاپ پہ جا کے ٹھیک ہے, اچھا اس میتھڈ کا بالکل ایگزیکٹ نیم کیا ہے, یہ سیشن انڈرسکور سٹارٹ, اس کو ہم یہاں لا کے پیسٹ کر دیں, صحیح, بالکل کیس سینسٹ بھائی. اب یہ میتھڈ یہاں ریڈی ہے, ٹھیک ہے. اور جو سیشن کا ویریبل ہے اس کا نام کیا رکھا تھا, یہ رہا, ٹھیک ہے, $_SESSION از اکولس ٹو ایکس بنا کے یہاں پہ لکھیں گے یوزر. تو ابھی تو کوئی پرائمری کی وغیرہ نہیں ہے, تو ابھی فی الوقت میں کیا کر رہا ہوں, اس کی آئی ڈی کو یہاں پہ ڈلوا دیتے, ٹھیک ہے, ہاں اس کو صحیح کر دیں, ٹرمینیٹر صحیح, سیشن تو ایکٹیو ہو جائے گا. اب اس کو کیا کرنا ہے, دوسرے پیج پہ بھی تو بھیجنا ہے, اس کو دوسرے پیج پہ بھیجنے کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پہلے تمہیں ایک پیج بنانا پڑے گا, فائل نیو پی ایچ پی کریٹ, صحیح, اس کو سیو کریں گے اور اس کو سیو کریں گے سیشن کے نام سے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کو چلاتے ہیں اور یہاں میں نے اس کو ایسے لکھ دیا ہوم پیج, ہوم پیج سیف, صحیح. ابھی ایک دفعہ اس پہ آ کے سیشن کے اوپر یہاں کے لکھا سیشن ڈاٹ پی ایچ پی, صحیح, یہ پیج آ رہا ہے, اس کا یہ کاپی کر کے رکھ لو, ٹھیک ہے, ہمیں یہ یو آر ایل چاہیے اس کا, اس یو آر ایل کو لے کر آئیں یہاں پہ اور کمنٹ کر کے پیسٹ, ریزیوم, ٹھیک ہے. ہیڈر بریکٹ لوکیشن کالن اور یہ پوری چیز شفٹ اینڈ کاپی اینڈ پیسٹ, ٹھیک ہے, ٹرمینیٹر. اب یہاں پر آ کے کیا کرنا ہے, دوسرے پیج کے اوپر, دوسرا جو ہمارا یہ سیشن والا پیج ہے اس کے اوپر آ کے کوڈ کریں گے پی ایچ پی کا, پی ایچ پی اور اف ناٹ اس سیٹ, اس سیٹ پراپرٹی کیا کرتی ہے, چیک کرے گی کہ جو آپ کا سیشن ہے,
अच्छा अब बुक क्या चेक करेगा कि जो सेशन है वो एक्टिव है या नहीं, यानी तो हम इसको यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट, अगर वो सेट नहीं है तो वो वापस उसे किस पेज पे भेजेगा, इंडेक्स वाले पेज पे, यानी हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सेशन की जगह इंडेक्स डॉट पेज, अदरवाइज क्या करेंगे एल्स, इको वाली लाइन कॉपी करेंगे, सही है, इसको ग्रीन कर देंगे और कहेंगे इज ऑनलाइन, कौन ऑनलाइन है तो कॉन्कैटिनेट कराना पड़ेगा यहाँ पे, सही है, डॉट लगता है कॉन्कैटिनेट कराने में, ये इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट, सेव, सही है, कोई एरर, हाँ है, इसको ब्रैकेट नहीं लगाई, सेव, सही है, ब्राउजर पे आया, देखो उसको रिफ्रेश किया इस पेज को, ये क्या कह रहा है भाई 34 वाली लाइन पे एरर है इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अब यहाँ आईडी दी और ठीक है कह रहा है इनवैलिड आईडी और पासवर्ड QWE123, ठीक है सेशन वाले पेज पे ले आया, पोर्ट नंबर नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, देखो ये एड्रेस गलत है, सही है, इस एड्रेस को सही करना पड़ेगा, सिर्फ जाके 8080 यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8080, ठीक है, अब देखो वो उस पेज के ऊपर कभी भी नहीं जाने दे रहा, किस पेज के ऊपर सेशन डॉट पी एच पी, एरर क्या है वही जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको जिस जिस पेज के ऊपर सेशन यूज़ करना हो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना पड़ेगा, सेफ, सही है, सेशन डॉट पी एच पी, ठीक है, तो यार मैंने शुरू में ही बताया और देखो अभी मैं थोड़ी देर में भूला, तो याद रखना इस चीज़ को, अब यहाँ इंडेक्स के पेज पे वापस आ रहा है तो इंडेक्स के पेज पे आ रहा है, इसको आना नहीं चाहिए उसूलन कि जब एक्टिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे दूसरी साइड पे जाके भी कोड दोबारा से करेंगे, यहाँ इंडेक्स पे आया मैं, सही है, और यहाँ पर इसके टॉप पे ही कोड करूँगा मैं कि अगर इफ, ठीक है, और इस सेट कि अगर सेशन सेट है पहले से, सेशन का नाम क्या है ये कॉपी, तो वो इस पेज के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं आने देगा डायरेक्ट, सेफ, सही, अब इसको रन करते हैं दोबारा से, देखो क्यों सेशन एक्टिव था, मैंने ब्राउज़र बंद नहीं किया था, ठीक है, अब ब्राउज़र बंद कर दिया, ब्राउज़र को दोबारा खोला, लोकल होस्ट सेशन, ठीक है सेशन एक्टिव है, सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अब वापस जाने की कोशिश करो, लोकल होस्ट इंडेक्स, देखो इंडेक्स पेज पे नहीं जा रहा, सही, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट क्लियर डाटा, अब चेक करते हैं, ये देखो क्या हुआ, मैंने बताया था सेशन बाय डिफॉल्ट क्या करता है कुकीज यूज करता है, अब जैसे ही मैंने कुकीज रिमूव की उसने क्या किया सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, सही, हाँ, अब अभी क्या करना है, अभी एक काम और बाकी है वो ये कि सेशन को बटन से डिस्ट्रॉय करवाना है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट, सही, अब यहाँ पे देखो उसको लॉगिन कराया 123, ये देखो सही, अब मैं जाके कुकीज चेक करता हूँ, कंटेंट सेटिंग कुकीज और सी ऑल कुकी, तो ये देखो लोकल होस्ट की एक कुकी आई हुई है इस नाम से, कंटेंट इसका ये है, डोमेन ये है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ, और अभी बनी और कब बंद हो जाएगी, जैसे ही ब्राउज़र एंड हो जाएगा, सही, अब यहाँ पर आते हैं, इस पर क्या कोड करेंगे, लॉग आउट का बटन लगाते हैं, तो लॉग आउट का बटन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे फॉर्म, फॉर्म क्लोज, और फॉर्म के ऊपर क्या कहा, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, बटन, बटन क्लोज, लॉग आउट,
टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, सही है। और यहाँ पर आके आप कोट करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट आई है, तो वो क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेशन डॉट डिस्ट्रॉय का अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का ये मेथड है, ये हमने इसको डिस्ट्रॉय करा दिया। और वापस कौन से पेज पे भेज देंगे, इंडेक्स कॉपी एंड पेस्ट सेव, ठीक है। चलो जी ब्राउजर पे आ जाओ, लोकल होस्ट कॉलन 8080 सेशन वाला पेज, ठीक है। ये देखो ये लॉग इन हुआ है, लॉग आउट हो गया, लॉग ऐसे लॉग इन कराओगे वापस लॉग। और अगर अभी डायरेक्ट भेजने की कोशिश करें सेशन डॉट, नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, 3 S हो गए, नहीं जाएगा, देखो सही है।